जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी की मूवी मुंबई सागर रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। लेकिन कल कुछ ऐसा सीन देखने को मिला है, कल की एक थिएटर से आ रहा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर हम शॉक हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। मासेस के लिए जो मूवी बनाई जाती है, जिसको यूजुअली हेल्म करते हैं सुपरस्टार्स, जैसे सलमान खान की मूवीज यूजुअली मास मूवीज होती हैं, जॉन इब्राहिम की मूवीज यूजुअली मास मूवीज होती है, जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, लोग भीड़ों में देखने जाते हैं उसको। लेकिन पैंडेमिक के बाद ना सीन कुछ और है। पैंडेमिक के बाद सीन दरअसल कुछ ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है थिएटर्स के अंदर, और काफी समय बाद मूवीज रिलीज होना शुरू हुई है थिएटर्स में। ऐसे में एक थिएटर के बाहर जिस तरह की भीड़ लगी है, जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं अंदर जाने के लिए, जिस तरीके से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सीन तो भैया वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। क्योंकि यहाँ पर पैंडेमिक चल रहा है, पीपल आर लिटरली फॉलिंग ऑन ईच अदर फॉर द यू नो रेस टू गेट इन टू द थिएटर हॉल, टू गेट इन टू द सिनेमा हॉल एंड वॉच द मूवी। तो ये पूरा सीन तो भाई मैं देखकर बहुत ज्यादा डर गई हूँ। ये वीडियो इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है और सब कहीं ना कहीं देखकर ये चीज डर गए हैं, बिकॉज महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड के हाल चल रहे हैं, वहां पर दोबारा लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ा है कुछ शहरों में, वहां पर फिर से जो है हेल्थ फैसिलिटीज की खस्ता हालत चल रही है, क्योंकि अचानक से केसेस में इतना राइज आया है और महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा हिट था कोविड से, जब पहली वेव भी थी, अब सेकेंड वेव में भी सबसे ज्यादा हिट महाराष्ट्र है। तो इट बिकम्स रियली टेंसनिंग कि वहाँ पे ऑलरेडी ऐसा माहौल चल रहा है, उस पर से लोग इतनी इरेस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं एक मूवी को लेकर जहाँ पर धक्का मुक्की मच चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज सोचने में आ जाती है कि थिएटर्स दोबारा से खोलना, वॉज इट अ गुड डिसीजन और नॉट? क्या ये सही डिसीजन था या फिर एकदम गलत डिसीजन था? क्योंकि इस तरीके से लोगों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है थिएटर में अंदर दाखिल होने के लिए, और ये पूरा जो सीन हो रहा है ना, ये मूवी मुंबई सागा के लिए हो रहा है। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर मुंबई सागा कि इतने लोग देखने पहुंच रहे हैं, बट दिस इज अ रियली बैड थिंग अगर उसको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वीडियो को, अगर आपने देखा है तो उस बारे में जल्दी से आइए कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।